अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज इतनी सर्दी है ना, देखे सूरज निकला नहीं है और हम इतना कांप रहे हैं ना, इतनी सर्दी है आपकी सोच होगी। कि आज हमारे सारे परिंदे, मैं स्कूल गया था, स्कूल में भी कांपता रहा हूँ पूरा दिन और ना अब आए स्कूल से आते मैंने कहा सबसे पहले इन्हें खोल दूँ। ये हमारे डक्स कोई भी परिंदा है ना, जब तक इन्हें बाहर ना खोलो इन्हें सुकून नहीं मिलता। बेशक सर्दी है नहीं है जो भी है, इन्हें बाहर खोलना है उसका। देखें यार, ये मेरे पास रोटी है, पहले डालते हैं इन्हें रोटी। देख, ओहो सारी डाल दी इन्हें गलती से। कुछ रख लेता हूँ अंदर, बाकी डाल दी कुछ अंदर। ये डालने मैंने अपने अंदर वो जो मेरे पास मुर्गे हैं, वो जो कल लिया था उन्हें, और बाकी यहाँ पर खोल देता हूँ देसी मुर्गों को। और माशाल्लाह से एक मुर्गी ने अंडा भी दिया हुआ है, लेकिन गंदा बहुत हो गया। चलें ये तो साफ हो जाएगा, दिया तो सही, खोल दिया, अब ये बाहर आ जाएंगे। दोस्तों हमारे मुर्गे की हालत बहुत ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं, खून देखें इसे कितना निकल रहा है। अभी तक इसकी तबीयत नहीं ठीक हुई, इतना बुरा इसे मारा था उस मुर्गे ने। देखें मुँह लाल सुर्ख हुआ हुआ है इसका। तो ये दोस्तों अब मैं खोल देता हूँ अपने, यहाँ पर भी मैंने रखा हुआ असील मुर्गा और मुर्गी, जो हमारा हैरी और हमारी ब्लैक वाली हैन। अब मैं खोलता हूँ इन्हें। तो दोस्तों पता नहीं क्या मसला, ये वाली मुर्गी अभी तक अंडे नहीं देने लगी। इसके साथ मैंने ये वाली दो देसी मुर्गी भी छोड़ दी थी, ये वाली, क्योंकि ना रात को इन्हें लग रही थी सर्दी और यहाँ पर हो गए थे बहुत सारी, इसलिए मैंने इन्हें चेंज कर दिया था। मैंने अंडा फिलहाल मैं रख देता हूँ, इनको बेटर मैं जाते हुए नीचे ले जाऊँगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ अंडे खाने या जमा वगैरह कुछ नहीं करना। इस रोटी को भी छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये उनसे पूरी नहीं खाई जाएगी। ये हो गई छोटी, अब ये डाल देते हैं हम अपने अंदर वाले मुर्गों को, दूसरों को, सबको ही डालते हैं। और देखें ओहो ये मुर्गी तो बाहर आ गई। और दोस्तों एक देखें कबूतर यहाँ पर शायद अंडा दे दे, कबूतरी देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं बाहर से रोटी उठाता हूँ, रोटी रख देता हूँ यहाँ पर, लो भी खा लो रोटी। ये देखें ये खा रहे हैं सारे। तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना हमारा मुर्गा कैसा लगा आपको, कितना खूबसूरत है। ये वाली तो मुर्गी आ गई है बाहर, ये वाली, इसे बाहर अंदर डालने से पहले मैं डाल देता हूँ इसे बाजरा, इन सबको बाजरा डाल देता हूँ। ये देखें नीचे मैंने ना पैकेट्स बना लिए बाजरे के, दो दो किलो बाजरा एक टाइम इन्हें डालना है मैंने। अब इन्हें बाजरा डाल देता हूँ, ये लो आ जाओ भाई, आ जाओ खा लो सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखें काफ़ी सारा मैंने डाल दिया, बल्कि कुछ और डाल दूँ, सारों को मैंने डाल दिया, अब ये खा लेंगे। उसके बाद अब मैं पकड़ता हूँ इस मुर्गी को, पहले इसे अंदर डालता हूँ, क्योंकि ना इसे जहाँ से हमने ली थी ये आदत थी, ये इस मुर्गे के साथ फिरती थी, अब जैसे दरवाज़ा खुलता तो ये भाग के इसके पास आ जाती। लो भाई पकड़ी गई, इतना आसान था पकड़ना इसको। अब इसे छोड़ता हूँ अंदर, उसके बाद अंदर वाले परिंदों को डालता हूँ दाना। डो छोड़ दिया उसे मैंने अंदर, अब उठाता हूँ बाजरा, अंदर जाके मैं बाजरा डालता हूँ। भूख लग रही होगी सबको, क्योंकि मैं सुबह डाल के डालना भूल गया बाजरा, अभी मैं डालता हूँ बाजरा। ये देखें भाई यहाँ पर, देखें सारे कबूतरों को भूख लगी हुई है और तुम्हारा ही है। देख तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा होगा अंधेरा हुआ और रात हो रही है, लेकिन ये रात कुछ नहीं है, ये अभी दोपहर है। मैंने सारा यहाँ से कवर किया हुआ है, मैंने यहाँ से सारा कवर किया हुआ है ताकि इन्हें सर्दी ना लग जाए। देखे सारे हमारे बिल्कुल ओके हैं, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब हम बारी आ गई इनकी, इन्हें डाल देते हैं भाई बाजरा, शोर मचा रहे हैं, इन्हें लग रही है भूख इनकी। ये देखें ये चूरा चूरा कर देते हैं, पता नहीं क्या, ये हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये मुर्गियाँ खा लेंगे।
अपना खाओ तुम। ये डाल दिया हमने अंदर, अब निकालते हैं ये वाला, ये भी इन्हें डाल देते हैं। तो यार इस मुर्गी को पता नहीं क्या मसला, अपना नहीं खाएगी ये। इसे भी डाल देते हैं अंदर। तो सबको मैंने डाल दिया आगे खाने, और माशाल्लाह ये भी अंदर जाने लग गई है, ये भी शायद बच्चा देने वाली है, अंडे देने वाली है। तो दोस्तों दाना वगैरह तो मैंने सबको डाल दिया, अब हमें इंतजार है तो सिर्फ अपने कबूतरों के अंडों का और इन दो मुर्गियों के अंडों का, क्योंकि हमने इनके साथ जो ये मुर्गा छोड़ा है ना, ये जैसे मुर्गी अंडे देंगे हम इन्हें कूड़ा करेंगे, इन्हें बिठाएंगे, जब तक हमारे डक्स भी अंडे देने लग जाएंगे तो डक्स के बच्चे भी इनके नीचे निकलवाएंगे, क्योंकि डक्स के बच्चों का हमारा खाब पूरा नहीं हुआ, इनक्यूबेटर में अंडे ख़राब हो गए थे। बाकी यहाँ पर सारों को मैंने सब कुछ डाल दिया, बस रह गया पानी। मैं पानी डाल के जाता हूँ अकेडमी, अकेडमी से आके देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है। मैं सबसे पहले ना ये उठाता हूँ यहाँ से ये। तो यार ये आपको देखने में ब्लैक लग रही होगी, इसका कलर अंदर से ब्लैक है, लेकिन ये है बिल्कुल साफ। मैं से पानी कर भर देता हूँ इसे, उसके बाद इसे डालता हूँ बाहर पानी में। तो आप लोग देख सकते हैं पानी मैंने रख दिया इन्हें, और इन्होंने पी भी लिया थोड़ा बहुत, और माशाल्लाह हमारा मुर्गा फुल एक्टिव है। बस इसे चोट लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग, बस इसे चोट लगी हुई है, बाकी माशाल्लाह से फुल एक्टिव है। और हैरी के साथ ये नहीं लड़ता, हैरी और ये इनकी दोस्ती पुरानी, क्योंकि जब हम लाए थे इन्हें इकट्ठा छोड़ देते, ये आपस में नहीं लड़ते। वो अंदर वाला ना वो बहुत लड़ाकू मुर्गा है, वो हमेशा हर किसी को मारता है, वो मुर्गियों को भी मार रहा है अंदर। तो बाकी यहाँ पर ये ठीक है, ये मुर्गी भी किसी को नहीं अब मारती, पहले ये सारों को मारती थी। और एक और गुड न्यूज़ है कि हमारी दोनों मुर्गी अंडे देने लगी, एक वो वाली भी एक वो ये भी। इसने रात को अंडा दिया था कल रात को, उसने अब मैं सुबह आया हूँ तो उसने ये दिया हुआ था। आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा सुबह हो रही है, लेकिन मैं स्कूल से वापस आ गया हूँ, तकरीबन 3 बजने और ठंडी यह हवा चल रही है, और यहाँ पर हम सर्दी से हमारा बुरा हाल है, तो हमारे परिंदों का क्या हाल हो रहा होगा, आप लोगों को खुद पता होगा कितनी सर्दी हो रही है। तो मैं अभी अकेडमी जाता हूँ, छोटे भाई को कह दूँगा कि वो यहाँ पर लकड़ियाँ जला के कोयले बन जाएंगे, तो वो अंदर भी पिंजरे में रख दे और यहाँ पर भी, ताकि थोड़ी बहुत गर्मी हो और हमारे परिंदों को सर्दी ना लगे। फाइनली मैं एकेडमी से आ गया हूँ, मेरे हाथ में ये इसमें एक कलेजी है और बाकी है कुछ सेब के छिलके, ये डाल देते हैं हम अपनी इन्हें, अब मेरे मुर्गा हैरी वगैरह खा लेंगे ये देखें, और जो ये छिलके ये खा लेंगे हमारे रैबिट्स, देखें कैसे हैं सारे खाने के लिए, सारे आ गए हैं। और बाकी यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पिजन को लग गई है सर्दी, देख रहे हैं कैसे बैठे हैं सारे। और बाकी यार अंदर यहाँ पर सर्दी हुई है, हालांकि यहाँ पर कंबल भी लगा हुआ है, बाहर खेस भी है, लेकिन फिर भी इतनी सर्दी हो रही है। चलो मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर हीटर ला के लगाता हूँ, और माशाल्लाह देख सकते हैं एक वो सामने बैठी है फीमेल घर में, शायद वहाँ अंदर जा रही है अंडे वगैरह देने, यहाँ पर भी, और इसमें देख लेते हैं इसमें है भी या नहीं कोई फीमेल। इसका एक फ़ायदा हमें हो गया कि ना हम चेक कर सकते हैं कि कोई है अंदर या नहीं, तो नहीं है, नहीं है अंदर कोई, अभी फ़िलहाल नहीं है, वरना अभी था मैंने देखा, अब नहीं है। और दोस्तों देखिए ये अंदर जाके भी दाना खाने लग गए, वहाँ पर मैंने इनके लिए ये लिया था घर, उसमें अंदर दाना डाल दिया था, ये जा नहीं रहे थे, लेकिन अब ये जाने लग गया, बिल्कुल ठीक है, सारे बिल्कुल ठीक बैठे हैं। मुझे अपनी ये थोड़ी सी वीक लग रही है ये वाली फिंच, नहीं एक्टिव है फुल, दूसरी सब बिल्कुल ठीक है। मेरा ब्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे साथ ब्लॉग को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।